आज बिग बॉस चर्चा में हमारे साथ कोई ऐसा है जो बिग बॉस के घर में तो गया था कॉमनर बनके, लेकिन बाहर आया सलमान खान की फेवरेट बनके। हमारे साथ है लोकेश शर्मा। वेलकम टू पिंक विला लोकेश। तो लोकेश, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिग बॉस के घर में इस बार जितने कॉमनर्स आए हैं उनके बारे में आप क्या सोचती हैं और क्या लगता है कितने अच्छे से खेल रहे हैं वो ये गेम? इस बार के जो कॉमनर्स हैं वो स्टार्टिंग में तो ज़्यादा दिखे नहीं, और जैसे कि कॉन्सेप्ट रहा है पड़ोसी में जितने भी थे वो कॉमनर थे और कुछ अंदर में कॉमनर थे। तो स्टार्टिंग में जो पड़ोसी थे उसमें से लव ने स्टार्टिंग में अच्छा वर्क करा, बीच में वो खो गए, तो अभी वो फिर से सब उभर कर आ रहे हैं तो अच्छा खेल रहे हैं, बट हमारे टाइम पे हमने ज़्यादा दम दिखाया था। ओके, फाइनली बिग बॉस को अब 6 हफ्ते से भी ज़्यादा हो चुका है और सबका गेम नज़र आ रहा है कि कौन कौन सा गेम खेल रहा है, और शिल्पा शिंदे के गेम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? शिल्पा जी बहुत अच्छा खेल रही हैं और वो मेरी फेवरेट हैं। उनकी मस्ती, मजाक, हरकतें, चुलबुलापन, वो सारी क्वालिटी उनमें दिखती है, तो वो बहुत ही अच्छे से मैनेज करती हैं और बहुत ही अच्छा खेल रही हैं वो शो में। लेकिन जैसा कि हमने शुरू से देखा कि आकाश और अर्शी शिल्पा के साथ थे, उनकी तरफ से जो भी लड़ाइयाँ हो रही थी हमेशा उनके साथ थे, लेकिन जैसे ही विकास और शिल्पा की दोस्ती हुई है तब से आकाश उनके खिलाफ हो गए। जस्ट बिकॉज क्योंकि आकाश का विकास के साथ ज़्यादा नहीं बनता और शिल्पा की विकास के साथ दोस्ती हो रही है, तो उस टाइम पे होता है वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि जो मेरी फेवरेट थी, मतलब जिससे मैं बात करता था, अब वो कहीं और जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर हो रहे हैं और इसलिए वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे उनकी फ्रेंडशिप को। जैसे आकाश का कहना ये है कि ये पहले से ही सब कुछ प्लान करके आए थे और ये बिग बॉस के घर में अब ये नाटक कर रहे हैं, पहले दुश्मनी दुश्मनी खेला और अब दोस्ती दोस्ती का गेम खेल रहे हैं। जैसे आपको क्या लगता है, ये सच में कोई गेम है? नो, दिस इज़ नॉट अ गेम, जस्ट बिकॉज क्योंकि स्टार्टिंग में आए थे तो वो एक दूसरे को देख के स्टेज पर शॉक्ड हो गए थे कि ये शिल्पा जी विकास को देखकर हो गई और विकास शिल्पा जी को देखकर हो गई कि ये कैसे आ गए। तो विकास और शिल्पा की पहले से ही लड़ाई चल रही है और ये कोई प्लानिंग नहीं है। घर में आए, दोनों ने एक दूसरे को देखा जो कि पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं, पुरानी बातें आई उन दोनों को और उसी के बीच में उनकी लड़ाई हुई। लेकिन सलमान सर हर वीकली आते हैं और समझाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पुरानी बातें थी वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगी और जो स्टार्टिंग में उनके बीच में शायद कुछ अच्छी बॉन्डिंग थी बाहर, फिर जाके कुछ फाइट हुआ, तो वो जो भी प्रॉब्लम था वो धीरे ही अंदर में सॉर्ट आउट होने लगा। तो वो एक दूसरे के लिए केयरिंग कर रहे हैं, लव, यू नो, तो वो एक अच्छी बॉन्डिंग बन रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले से ही प्लानिंग थी। जैसे प्रियांक की बात करें तो उन्हें बिग बॉस के घर का रूल ब्रेकर कहा जाता है, कई बार सलमान खान भी उन्हें खुद डांट चुके हैं, लेकिन अब रिसेंटली उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि लोगों की सिंपति उनकी तरफ जा रही है, जैसे कि उन्होंने हितेन के लिए अपने सर के सारे बाल कुर्बान कर दिए। या ये तो बहुत ही शॉकिंग था जब मैंने देखा, क्योंकि गर्ल्स में बहुत ही पॉपुलर हैं, इज़ अ चार्मिंग एंड चॉकलेट बॉय जो सब बोलते हैं, और बिग बॉस के घर में रहकर हितेन को सेव करने के लिए जो उन्होंने अपने बाल दिए, तो उससे उनका कहीं ना कहीं उनकी वो पर्सनालिटी दिखती है कि वो लोगों के लिए सोचते हैं। जो स्टार्टिंग में उन्होंने हरकत करी, थोड़ी बच्चे वाली हरकत करी थी, बट मेंटली और फिजिकली वो स्ट्रांग है, तो इस चीज़ को समझ गए। लेकिन प्रियांक सिर्फ हितेन के लिए जो उन्होंने बाल कटाए, उसके अलावा बिनाफ्शा के साथ उनकी बढ़ती नज़दीकियाँ आजकल हेडलाइंस बना रही हैं। ओके, तो बिनाफ्शा और प्रियांक के बीच में तो मुझे फ्रेंडशिप दिखती है, और हो भी रहा होगा तो शो के लिए कह सकते हैं, शो में यू नो आगे तक कंटिन्यू रह चुके तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। यस यस, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम हमेशा से देखते हैं शो में आगे रहने के लिए लोग लव एंगल बनाते हैं, लेकिन मुझे उनमें फ्रेंडशिप ज़्यादा दिखती है। बिग बॉस के इतिहास में सबसे ज़्यादा क्लोज कपल जो भी रहा है वो पुनीश और बंदगी है, क्योंकि कई बार उन्हें बाथरूम में भी मेकआउट करते हुए देखा गया है या बिग बॉस ने टीवी पर भी इसे प्रसारित किया है, तो आपको क्या लगता है? मे भी शायद वो एक दूसरे को पसंद करने लगे होंगे, लेकिन मुझे यही लगता है उन दोनों के बीच में के शो के लिए आगे कंटिन्यू रहने के लिए वो इस तरह का एंगल बना रहे हैं। बिग बॉस के घर में वैसे कई सारे एंगल हमें देखने को मिल रहे हैं, बंदगी पुनीश का एंगल हो गया, या फिर प्रियांक और बिनाफ्शा का एंगल हो गया, शिल्पा अर्शी आकाश और विकास का एंगल हो गया, और हिना लव और प्रियांक का एंगल। तो सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग कौन सा एंगल लग रहा है आपको? मुझे शिल्पा,
हर्षी एंड आकाश, इनका जो पहले एंगल चल रहा था अब तो आकाश थोड़ा अलग हो गए हैं, तो शिल्पा और आर्षी का जो एंगल है वो मज़ेदार है। वो उसको मॉम बोलती है और दोनों के बीच में कभी लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, फिर दोनों साथ में आ जाते हैं। और आर्षी की जो अदाएँ लाइक मतलब कि मेरे देश की आवाम देख रही है, तो वो बहुत काफ़ी एंटरटेनिंग रहता है। और शिल्पा जो कि बहुत ही मतलब चुलबुली हरकतें करती हैं, तो वो देखने में बड़ा मज़ा आता है। उनका एंगल मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। हिना खान के ऊपर इन दोनों की मस्ती काफ़ी भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है, तो आपको क्या लगता है हिना खान का गेम कैसा है इस बिग बॉस के घर में? हिना ना खुल के बोलने वालों में से हैं, मतलब उनको कुछ भी लगता है, कोई बात गलत लगती है तो वो दिल में नहीं रखती, उसी टाइम पर वो रिएक्ट करती हैं। तो हिना काफ़ी अच्छे से गेम खेल रही है, लेकिन एक उन दोनों की जो शिल्पा और अर्षी की जो बॉन्डिंग होती है, फिर कमेंट होते हैं, तो यस वो हर्ट हो जाती है उस बात से, और कोई भी हो सकता है। तो गेम में हितेन और सपना के कंट्रीब्यूशन के बारे में क्या कहेंगे? हितेन बोलते हैं और वो काफ़ी मेंटली काफ़ी स्ट्रांग लगते हैं, जैसे कि हमारे टाइम पे गौरव जी थे, प्लानिंग इन ऑल दैट वो बहुत ही कम बोलते थे लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, तो वही चीज़ हमें हितेन में दिखाई दे रही है। और रही बात सपना की, जो कि हमारी हरियाणा की छोरी है, तो सपना का अभी उतना दिख नहीं रहा, लाइक जब उनकी एंट्री हुई थी तो हमें लगा वो काफ़ी मज़ा आएगा उनको देख के, वो काफ़ी एंटरटेन करेंगी, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ उनकी चलती रहेगी, बट उनकी उतनी एक्टिविटी या लोगों से इन्वॉल्व होना, बातें करना, वो सब ज़्यादा दिख नहीं रहा, और वो ज़्यादा चप-चप नहीं करती, एक बार बोलती हैं और ऐसा बोलती कि वो सीधा निशाने पे जाके लगता है। ओके, तो बिग बॉस के घर में इस सीज़न में फ़िलहाल के लिए हिना खान, मीनाक्षी और सपना नॉमिनेटेड है, तो आपको क्या लगता है कौन आएगा घर से बाहर? मुझे मीनाक्षी के चांस लग रहे हैं, क्योंकि आई नो वो एक उनका मे बी शायद लव एंगल दिखा सकते हैं, लेकिन मुझे मीनाक्षी के चांस लग रहे हैं। ओके, वैसे इसके बाद हम खेलेंगे आपके साथ एक रैपिड फायर क्वेश्चंस, जिसमें बहुत सारे फन क्वेश्चंस होंगे एंड आई होप कि आपका आंसर उतना ही बोल्ड हो। ओके, सो शो का सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट? शिल्पा। सबसे डम? लव। कौन फेक या नकली बनने की कोशिश कर रहा है? पुनीश। सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी हंगर? आर्षी। कौन छुपा रुस्तम है, जो अभी तो नहीं लेकिन शायद बाद में चल के कुछ करे? प्रियांक। ओके, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल? आर्षी। सबसे ज़्यादा खतरनाक, जिससे सारे बाकी कंटेस्टेंट को बच के रहना चाहिए? हिना। पकाओ कंटेस्टेंट? लव। वेरी पकाओ। आपके सीजन की बात करें तो शो का सबसे ज्यादा चालाक? सबसे ज्यादा चालाक मानो, हमारे मानो भाई साहब। कोई बेस्ट फ्रेंड बना आपका बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद? बेस्ट फ्रेंड और भाई नवीन, सबसे ज्यादा मैं नवीन के साथ क्लोज हूँ और वो मेरे अच्छे फ्रेंड हैं और भाई है। ओके, बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद लोकेश, जो आप घर में थी, बाहर आने के बाद आप पूरी तरह से बदल गई और आज एक मॉडल की तरह नजर आती हैं, तो कैसा रहा आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन और किस लिए है? जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं जब बिग बॉस में गई थी तो लाइक मैं अपने आप को देख कर एकदम शॉक्ड हो गई, ओ माय गॉड दिस इज मी, ये मैं सीरियसली, इतनी फैट एंड चॉबी, लाइक मतलब कि मैं अपने आप को उतना लाइक नहीं कर रही थी, बी फ्रेंकली। आई नो मैं थोड़ी सी अपनी ही हरकतों पे हंस रही थी कि लाइक बहुत कॉमेडी और इन ऑल दैट ये सब था, लेकिन एज अ लुक वाइज मैं बहुत ज़्यादा फैटी लग रही थी, तो मुझे मुझे मैंने चेंज कर अपने आप को, और मैंने 6 आवर वर्कआउट अपने जिम में दिए हैं, और सलमान सर ने मुझे कहा था, लवी इफ़ यू वांट टू स्लिम ट्रिम तो यू हैव टू हार्ड वर्क ऑन योर बॉडी, सो 8 घंटे उन्होंने मुझे वर्कआउट के लिए बोला, 8 तो नहीं, मैंने 6 घंटे वर्कआउट के लिए दिए, तो यस आप देख सकते हैं, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट।
क्योंकि बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद आपकी लाइफ कितनी चेंज हो गई? ऑफ कोर्स लाइफ चेंज हो गई है, क्योंकि हम जब बिग बॉस से पहले थे तो एज अ मेरी लाइफ जो थी एक कॉलेज गर्ल होती है और मॉम डैड के साथ रहना, अब जो आफ्टर है उस टाइम पे लोग नहीं जानते थे क्योंकि मैं कॉमनर थी। अब कहीं पे भी जाती हूँ तो शी इज़ लोकेश, पहले तो कंफ्यूज हो जाते हैं, देखते हैं गूगल पे सर्च करते 10 बार, ये लोकेश ही है ना, ये सीरियसली ये लोकेश है, तो या फेम है। और ये बहुत ही अच्छा मुझे मिला है, क्योंकि हर कोई यही चाहता है फेम। और यस ऑफकोर्स लाइफ चेंज हुई है, सो या आई एंजॉय माय सेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच लोकेशन से बात करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और पिंक विला हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।